साहब आपका घर आ गया जी। चलो जल्दी उतरो। अरे चलते हुए रिक्शा से उतरोगे तो गिर जाऊंगी ना। अरे उतरो वरना हमारा घर और आगे निकल जाएगा। अरे तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं पकड़ लेती हूँ। जल्दी पकड़ो। भाई साहब ये लो। सर वो घर मैडम। अरे वो सब मैं बाद में बताऊंगा वरना घर का पता नहीं मेरी बीवी भाग जाएंगी। आप रॉकस्टार साहब एक बात बोले, आपकी बीवी ना आपको छोड़ के कभी नहीं भागेंगी। आपकी बीवी आपसे बहुत प्यार करती है साहब। बहुत सारी सवारियां मेरी गाड़ी में बैठती उतरती हैं। कपल बैठते हैं, प्यार करते हैं, रोमांस करते हैं, पर ऐसा कपल इन आंखों ने पहली बार देखा है। प्यार के साथ आपका भरोसा दिखाई दे रहा था जब आपकी बीवी आपका हाथ पकड़ के बैठी थी ना रिक्शे में, तो उन्हें ऑटो रिक्शा का नहीं आपसे अलग होने का डर था। वो आपसे अलग नहीं होना चाहती है, वो आपसे बहुत प्यार करती है। जब वो नशे में थी ना तो नशे में उनका होश खो रहा था, लेकिन आपका प्यार और विश्वास नहीं खो रहा था। साहब वो बीच सड़क पर यहाँ से वहाँ घूम रही थी, उन्हें डर नहीं था, उन्हें अपने प्यार पर भरोसा था। भगवान ना करे कभी अगर आप उनसे अलग हुए ना, तो वो आपसे कभी भी अलग नहीं हो पाएंगी। आप जहाँ जाएंगे आपके पीछे पीछे आएंगी, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। साहब मैं 100% के साथ कहता हूँ कि वो आपको बहुत प्यार करती है, लेकिन साहब जो मेरे साथ हुआ ना साहब, वो किसी के साथ भी ना। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। 83, 84, 85। क्या कर रही हो? तारे तारे गिन रही हूँ यहाँ से वहाँ तक। अगर मैंने सारे तारे गिन लिए ना, उसमें से एक तारा टूट जाएगा और मेरे पास आ जाएगा, फिर वो मेरी विश पूरी कर देगा। ठीक है, मैं काउंटिंग करती हूँ। 26 हो गई ना, मैं फिर से काउंटिंग करनी पड़ेगी मुझे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एक सही इंसान को एक गलत इंसान के लिए छोड़ रहा हूँ? सही गलत का तो पता नहीं, पर मैंने बहुत गलत किया। जो मेरे साथ रहना चाहती है मैंने धोखे से उसी से डिवोर्स ले लिया। फिर से लिखना पड़ेगा, मैं बार बार भूल जा रही हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मुझे क्या देखना है, आप भी काउंटिंग कीजिए, मेरी मदद कीजिए। मैं ना तारे को बोल के आपकी भी विश पूरी कर दूंगी। ओके ओके। 1, 2। जीने के लिए क्या चाहिए, पैसा या प्यार? अच्छा लाइफ पार्टनर कौन है, अच्छी सूरत वाली या सच्चे दिल वाली? इसका जवाब जो भी हो, पर मुझे जीने के लिए इसकी ये मासूमियत ही चाहिए। ये जब नहीं थी तो मैं इसकी हरकतें मिस करता था। इसके बिना वो सारे दिन मेरी लाइफ के सबसे बुरे दिन थे। रोज खुद से पूछता था ये मुझे छोड़ के क्यों चली गई, और आज खुद इसे अपने से अलग करके मैं रोज अब खुद से पूछूंगा कि मैंने इसे क्यों छोड़ा। इसलिए क्योंकि इसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, या इसलिए कि इसने वापस आकर मुझे मेरा वो सब कुछ दे दिया जिसे मैं मिस करता था? ये मुझे यूज कर रही थी पर मेरे साथ रहती थी, पर अब इसके साइन लेने के बाद इसके साथ रहना तो दूर, मैं शायद फिर कभी इसे देख ही ना पाऊं। 15, 36, 22। आप तो गिर ही नहीं रहे, आप गिनी ही नहीं तो हमारी विश। आप रो रहे हैं, आप मत रोइए। आप तारे से मैं बोलूंगी आपकी विश पूरी कर देगा था। इस मत रोइए, मैं तारे गिन रही थी। ये क्या, मैंने तो सारा मांगा था, आपने मुझे मोती दे दिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मोती मेरी सारी विशेष पूरी करते। अरे आप मत रोइए। मैं जीत गई प्रज्ञा, तुम्हें मैंने अभी से अलग कर दिया। अब जबकि तुम अभी से अलग हो ही चुकी हो, तो तुम इस फोटो में उसके साथ क्या कर रही हो? यहाँ पे भी अलग होना चाहिए ना। तुम्हारे मंगलसूत्र ने तुम्हें बांध के रखा था, पर मेरी एक साइन ने
तुम दोनों को अलग कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए। कल सुबह मैं तुम्हें डाइवोर्स पेपर्स के साथ ये फोटो गिफ्ट करूंगी, उस वक्त तुम्हारे एक्सप्रेशन देखने लायक होंगे और मैं तुम्हारा फोटो भी खींचूंगी और वो फोटो मैं अपने साथ हमेशा रखूंगी, जो मुझे हमेशा अपनी जीत का एहसास दिलाएगा। क्या छुपा रही हो? मैं क्या छुपा रही हूँ? कुछ भी तो नहीं। एक मिनट पहले क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ भी तो नहीं। जैसी बीवी कभी नहीं बन पाओगी। जिस तरह वो मेरे लिए सैक्रिफाइस करती है, मुझे सपोर्ट करती है, तुम वो कुछ नहीं कर पाओगी, लेकिन फिर भी मैं तुमसे शादी करूंगा, क्योंकि तुम मेरी बच्चे की मां बनने वाली हो ना। लेकिन काश कि ये जो यहां पर लेती हुई ना, ये मेरे बच्चे की मां बनती। लेकिन इसके लिए मैं ना तुम्हें दोष दूंगा ना अपने आप को, क्योंकि किस्मत, मेरी किस्मत चाहती नहीं ना कि मैं खुश रहूं। इसलिए जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी, मेरी शादी इससे करवा दी, और जब ये मेरी बीवी थी ना, तब तुम प्रेग्नेंट हो गई, गलत वक्त पर गलत इंसान से मिलवा दिया और सही वक्त पर सही इंसान को दूर करवा दिया। और मेरी किस्मत और तुम्हारी नफरत प्रज्ञा को भले ही मुझसे दूर करते, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए जो फीलिंग्स है, जो प्यार है ना, उसे कभी खत्म नहीं कर सकती। प्रज्ञा मेरा प्यार है और हमेशा रहेगा। हे सच्चे बादशाह, परिवार में सुख शांति बनाए रखना। वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु। अभी अभी ये क्या बात है बेटा, तू यहाँ क्यों सो रहा है? दादी, मैं अपने मन से बहुत उदास हूँ दादी, सारी रात सो नहीं पाया। समझ में नहीं आ रहा कि ये बातें अगर शेयर करूँ भी तो किसके साथ करूँ। क्या चल रहा है तेरे मन में? इधर आ, तू इधर बैठ। अब बता, क्या चीज परेशान कर रही है तुझे? क्या चल रहा है तेरे मन में? प्रज्ञा के साथ कुछ? हाँ समझ गई, प्रज्ञा के साथ कुछ हुआ होगा। तू ठहर, मैं अभी पूछ क्या। नहीं दादी, प्रज्ञा ने कुछ नहीं किया, ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है दादी। मैं अपनी वजह से ही परेशान हूँ दादी। बात क्या है, साफ से बता दादी। मुझ में जो थोड़ी बहुत अच्छाई है ना, वो आप ही की वजह से। आप ही कहा करती है ना कि जिंदगी में आगे बढ़ते वक्त अच्छाई को नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन मैं अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था दी। मैंने अपनी अच्छाई छोड़ दिया था दी। जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान में मैं हार गया था दी। ये तो क्या कह रहे हो, साफ साफ बता ना हुआ क्या है। नहीं, मैं अपनी नसरों में गिर चुका हूँ। मैं आपकी नसरों में नहीं गिरना चाहता। तू पागल हो गया? तू बच्चा है मेरा, खून है मेरा, उससे गलती तो हो सकती है, तू गलत काम कभी नहीं कर सकता। तू जैसा भी है ना, तू मेरी नजरों में वैसा ही है। और प्रज्ञा,
पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।